एक शॉर्ट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व डेंसिटी 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्ट पुट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। शॉर्ट पुट वह गेंद होती है जिसे हम हाथ से फेंकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक खिलाड़ी है, यह एक गोला यानी कि एक लोहे की गेंद होती है, उसे अपने हाथों से फेंकता है और जो जितनी दूर फेंकता है वही विजेता होता है। तो उस गोले का आपने द्रव्यमान निकालना है। आपको दी गई है डेंसिटी, दी गई यानी कि आपको घनत्व दिया गया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि आपको आयतन निकालना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे गोले का आयतन। तो हमारे पास ये है गोला, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है यानी कि आर का मान हमें दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे गोले का आयतन 4/3 πr³ है। तो 4/3 πका मान 22/7 r³ यानी कि 4.9 × 4.9 × 4.9। तो हमारा वैल्यू कट जाएगी 7 पे 7 × 7 749। हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 4 को अगर 22 से गुणा कर देते हम पहले ही तो ये 88 जाएगा। 0.7 × 4.9 × 4.9 भाग में है 3। सबसे पहले 49 49 का गुना कर लेते हैं। जो हमारे पास 49 49 का गुना है वह हमारे पास आता है 24 01। आपके पास 2 पॉइंट है तो पॉइंट मेरे पास यहाँ जाएगा। अब मुझे 7 से गुना करना है, 0.7 से मुझे गुना करना है। तो 7 × 7 0 7 चौक 28, 7 × 2 14 और ये मेरे पास आ जाएगा 16। तो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें गुना करना है 88 से 88 से 7 × 8 56, 8 × 8 64, 8 × 6 48, 48 और 6 आपके पास हो जाएगा 54, 8 × 8 8 5 13 हो जाएगा। अब हमें 8 से और गुना करना है, ये हमारे पास आएगा 6 5 4 4 3 और 1, जोड़ देंगे 1 10 9 7 4 और 1। पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 के बाद। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 7 9.016 भाग करना है 3 से, 3 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 79 0.0163। सबसे पहले हमारे पास जाएगा 3 चौके 12, 2 और यहाँ पर मेरे पास जाएगा 7, 3 × 27 तो यहाँ पर मेरा जाएगा 9, 3 × 3 9 पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा और 0 उतर जाएगी। अभी भी नहीं जा रहा, ना जाने कि 0 लगा देंगे 1 आ जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा, ना जाने कि 0 लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा 6। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 चौक 4, अगर बात करें 5 पे 3 पंजे 15, 1। यह ऐसे आगे चलता ही जाएगा, हम अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 993 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स के अंदर। अब हमें निकालना है द्रव्यमान। तो हमारे पास घनत्व दिया गया है, तो अगर हम बात करें घनत्व की, घनत्व हमारे पास है 7.8
ग्राम प्रति यानी कि भाग में एक सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम आसान तरीका आपको बताता हूँ, मुझे द्रव्यमान निकालना है यानी द्रव्यमान की यूनिट मेरे पास होती है ग्राम, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ गुणा कर दूंगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कट जाएगा, तो घनत्व की जगह मैं लिख दूंगा द्रव्यमान। तो सबसे आसान तरीका है कि मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ द्रव्यमान 7.8, यहाँ मेरे पास ग्राम का ग्राम ही रहेगा, गुना में जो मेरे पास वैल्यू आई है 493 सेंटीमीटर क्यूब, भाग में आपके पास है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ये वाला सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, सिर्फ आपके पास बच जाएगा ग्राम। ग्राम आपकी यूनिट होती है द्रव्यमान की। आसान हो गया, तो हमें द्रव्यमान निकालना है, 7.8 को गुना करना है 993 से 493 गुना में 7.8, 8 3 24, 2 8 72 और 2 74, 8 4 32, 32 और 7 39, 7 3 21, 7 3 63 और 2 65, 7 4 28, 28 और 6 34, 4 5 14 और ये मेरे पास हो जाएगा 8 और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 3, तो पॉइंट मेरे पास आएगा यहाँ पर, तो आपका उत्तर आ गया है 384.5 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि हम पॉइंट लग जाएगा मेरे यहाँ पर, तो 3.8454, तो इसको मैं लिख सकता हूँ किलो ग्राम। इसमें भी हम ले लेंगे अप्रोक्सीमेशन, तो ये 4 है यहाँ पर मेरे 5 है, तो ये मेरे पास होएगा 3.84 की जगह मेरे पास हो जाएगा 5 किलोग्राम, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स, यही है आपका उत्तर।